हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत खैरियत से होंगे और खुश होंगे। वेलकम बैक टू अर्श लाइफ। तो आज के ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो सीक्रेट जो कि मैं लास्ट 2 ब्लॉग्स में आप लोगों को कह रही हूँ कि मैं आपको बताऊँगी लेकिन नहीं बताती। तो इस व्लॉग में मैं ज़रूर आपको बताऊंगी कि वो क्या है। तो जाने के लिए देखते रहिए, लेकिन सबसे पहले हम करेंगे ब्रेकफास्ट क्योंकि अभी अभी यहाँ पर सुबह हुई है और सुबह उठते ही मैं पीती हूँ कॉफ़ी। तो पहले कॉफ़ी पीते हैं, उसके बाद बाकी बातें करते हैं। तो मैं आज जा रही हूँ कुछ शॉपिंग करने, और पहले भी मैंने जो व्लॉग बनाया था उसमें भी मैं शॉपिंग करने गई थी, और इसमें अब मैं थोड़ी प्रॉपर शॉपिंग करने जा रही हूँ, क्लोथ्स वगैरह। और कुछ लोगों के लिए मुझे गिफ्ट्स लेने हैं तो वो लेने के लिए मैं निकली हूँ। मेरे साथ साथ मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है अफीरा, और वो भी जाने वाली है मेरे साथ ही। तो हमने ये प्लान किया था कि हम एक साथ जाके शॉपिंग कर लेंगे थोड़ी सी। तो हम आए हैं मॉल और मैं आपको दिखाऊंगी कौन कौन से स्टोर्स पे हम लोग गए और हमने क्या क्या किया। ये हम लोग आए थे गैप स्टोर पे, और गैप से थोड़ी बहुत हमने शॉपिंग करी। कुछ ख़ास मुझे पसंद आया नहीं यहाँ पर, तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया था। नेक्स्ट स्टॉप था हमारा लॉरा पेटिट। और ये इतना ब्यूटीफुल गाउन लगा ना मुझे, इसके कलर्स इतने प्यारे लगे मुझे। दिस स्टारी कलर्स वर टू डाई फॉर। ओके, तो हम लोग काफ़ी थक गए हैं और शॉपिंग करके और चीज़ों को देखकर एक्सप्लोर करके, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा खा पी लेते हैं, लेकिन फिर हमने कहा कि अगर खाने बैठ जाएंगे तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा उसमें भी। तो हमने सोचा कि कोई ऑन द गो ड्रिंक्स ले लेते हैं। हम यहाँ पे आए हैं रियल फ्रूट बबल टी में, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। आई लव द टैपियोका जो इसमें नीचे होता है और फ्रूट के पीसेस जो डालते हैं। स्पेशली मुझे वो मैंगो फ्लेवर बहुत पसंद है, इनका जो स्पेशल फ्लेवर होता है, और इसमें छोटे छोटे मैंगो के चंक्स होते हैं और साथ में टैपियोका होता है, और इसकी स्ट्रॉ भी बहुत थिक होता है ताकि वो टैपियोका स्ट्रॉ के थ्रू आप खा सकें। और भी बहुत सारे शॉप्स पे हम लोग गए, जैसे द बॉडी शॉप, जिम्बोरी, द चिल्ड्रंस प्लेस और ज़ारा, फॉरएवर 21, अर्बन प्लैनेट, स्पोर्ट चेक।
और चले, मैंने आपको जो प्रॉमिस किया था वो अब मैं आपको बता देती हूँ कि वो क्या बड़ा चेंज आने वाला है मेरी लाइफ में। तो वो ये है कि मैं जाने वाली हूँ पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, और काफ़ी एक्साइटेड हूँ और नर्वस भी हूँ इस ट्रिप के बारे में सोच के। और मुझे तो अभी से बहुत ज़्यादा ट्रैवल एंग्जाइटी स्टार्ट हो गई है क्योंकि मैं कहीं भी ट्रैवल करूं, चाहे वो छोटी ट्रिप हो या लॉन्ग ट्रिप हो, जो भी है, मुझे बस बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है। तो हमारा पाकिस्तान जाने का कोई प्लान नहीं था, ऑल ऑफ अ सडन ये प्लान बना है। काफ़ी टाइम हो गया एक्चुअली, और मेरा जो बेटा है मिखाइल वो बहुत मिस करता है अपने दादा और दादी को और अपने कज़न को, सबको, अपने चाचू को, चाची को। तो हम लोगों ने सोचा कि अभी मौका अच्छा है क्योंकि विंटर्स आ गए हैं। इस ईयर सुनने में आ रहा है कि विंटर्स बहुत हार्श होने वाले हैं, तो हमने सोचा कि चलो यहाँ से निकल ही जाते हैं। काफ़ी सारे शॉप्स गए और काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी मैंने, बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी। और वैसे भी जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो अच्छी खासी शॉपिंग हो ही जाती है। फिर इसके बाद हम चले गए थे घर की तरफ, और रास्ते से हमने लिए थे समोसे और जलेबीज। राजधानी के समोसे और जलेबी बहुत बहुत अच्छे होते हैं। मैंने कनाडा में काफ़ी सारी जगह का ट्राई करा है, लेकिन मुझे राजधानी के समोसे वन ऑफ द बेस्ट लगते हैं, और इनकी जलेबीज भी बहुत अच्छी होती हैं। खाना पीना खा के फिर थोड़ा सा रेस्ट किया, और जब लेट नाइट एकदम से स्नो स्टार्ट हो गई थी, फिर हमने सोचा कि थोड़ा ड्राइव पे निकल जाते हैं। तो हम अपने एरिया में ड्राइव करते रहे और स्नो को एंजॉय करते रहे। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई एम सो श्योर कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और मेरी जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो भी आपको आज पता चल गई है। आने वाले व्लॉग्स का इंतज़ार करिएगा, जिसमें और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, मेरी शॉपिंग, मेरी पैकिंग और हमारा ट्रैवल ब्लॉग, सब कुछ इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।